कैसे हो? आज हम एक स्पॉइलर फिल्म रिव्यू करने वाले हैं, एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है पैरासाइट, जो कि एक मास्टरपीस मूवी कहलाती है। यह मूवी 2019 के सबसे हटके मूवीज में से एक है। यह मूवी आपको एक बार देखने से बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है कि डायरेक्टर हमें इस मूवी से एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। इस मूवी में बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस मूवी ने 2019 में ऑस्कर्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अवार्ड जीते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने ऑस्कर्स में 4 अवार्ड को अपने नाम किया है, जो कि है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट पिक्चर, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायरेक्शन का। इसमें से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट पिक्चर अवार्ड, जिसके लिए इधर बहुत सारी लड़ाई होती है, पूरा पूरा विश्व इस एक बेस्ट फॉरेन फिल्म लैंग्वेज के लिए लड़ता है। उस फिल्म में अपने को साबित करके उस अवार्ड को कमाना है बहुत ही बड़ी बात है, और जो इस मूवी ने कर दिखाया है और अपना इस और इस कारनामे की वजह से उसने अपना नाम अपने इतिहास में सुवर्ण हस्ताक्षर में दर्ज करवा लिया है। अब बात करते हैं इस मूवी के कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत हटके है। जैसे कि हम इस मूवी का नाम से पता कर सकते हैं, ये पैरासाइट है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी खुद की तो अपनी कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जिस वजह से पैरासाइट अपने होस्ट के बॉडी में जाकर उसका खाना चुराता है, उससे अंदर से खोखला कर देता है, उससे बीमार कर देता है और कभी कभी होस्ट को जान भी ले लेता है। इसी कंसेप्ट पर मूवी बेस है। यह मूवी मास्टरपीस है। अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। मूवी में दो फैमिलीज़ का जिक्र किया गया है, एक है पुअर फैमिली और दूसरी है रिच फैमिली। पुअर फैमिली जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए ठीक से घर नहीं है और पैसा कमाने का कोई साधन भी नहीं है, वही दूसरी तरफ है अमीर फैमिली जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है। तो अब आते हैं पुअर फैमिली की तरफ। पुअर फैमिली है जिन्हें अमीर बनने की बड़ी चाहत है, उनके पास पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, पर उनके पास कोई बात नहीं है जिससे वो अपने टैलेंट को शो कर सके। तो पुअर फैमिली उनकी लाइफ से बहुत कंटाल गई है, वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ सेट हो जाए और वो भी एक दिन अमीर बन जाए। अब ये पुअर फैमिली इसके लिए किस तरह से एक एक करके रिच फैमिली के घर में एंटर करते हैं, ये हमें मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। डायरेक्टर बॉन्ग जियोन हो, माफ़ करना अगर मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ, तो इन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा रखा है। आपको ये मूवी एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करने वाली है। इसलिए ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी कहलाती है। हर एक सीन में एक कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब इस मूवी में बारिश का सीन आता है तो रिच फैमिली कैसे इस सीन को एंजॉय करती है, कैसे उसमें अपना आनंद खोज लेती है, वही दूसरी तरफ पुअर फैमिली है जिनको इसी बारिश की वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके घर में पानी ना आ जाए, उनके इलाके में बाढ़ ना आ जाए वगैरह वगैरह। इस मूवी के अभी बात करते हैं इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। अगर कास्टिंग की बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग अगदी टॉप नॉच है। मतलब सब एक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है। बीजीएम भी अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, मूवी का एडिटिंग लाल जवाब है, फिल्म में ड्रामा और सस्पेंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। ये मूवी को मास्टरपीस बनाती है उसका क्लाइमैक्स, जो कि ज़बरदस्त सस्पेंस से भरा पड़ा है। ऐसा सस्पेंस ना ही जो आपने पहले सुना होगा, ना देखा होगा, ना एक्सपीरियंस किया होगा। तो कैसे लगा हमारा ये रिव्यू, पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल की घंटी को बजाना ना भूलिए। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय।